हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है घिया को हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे चटनी खा रहे हैं घिया की। तो चलिए जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा, नमक, सूखा धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ऑयल। ये हमने फ्रेंड्स 4 से 5 अनियंस लिए हैं, आपको इस तरह से लंबे लंबे कट कर लेने हैं। 4 से 5 टमाटर, 7 से 8 पीसेस लहसुन, 1 घिया लिया है, इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है और इसे पानी में ही रखना, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। 3 ग्रीन चिली लिए हैं फ्रेंड्स हमने, 3 हरी मिर्ची मोटी वाली। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, करीब 1.5 करछी, और इसे अच्छे से गरम कर लीजिए। सबसे पहले 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे, देन प्याज, देन इसे थोड़ी देर पकने देंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाते। अनियन काफी हद तक लाल हो चुके हैं फ्रेंड्स अनियन लाल हो चुके हैं, और ये टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची की प्यूरी है अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं। थोड़ी देर इसे पकने दीजिए। अब मैं फ्रेंड्स इसमें घिया ऐड करूंगी। अब ये टमाटर और घिया दोनों एक साथ पकेंगे। अब हम फ्रेंड्स इसमें मसाले डालेंगे ताकि मसाले घिया के साथ मिक्स होके पकें अच्छे से और कच्चे ना रहे, साथ ही साथ टमाटर और घिया भी गल जाए। तो चलिए मसाले ऐड करते हैं। वन फोर्थ स्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 स्पून नमक, 10 मिनट के लिए हम इसे सिम गैस पे पकाएंगे, वो भी ढक के। घी की सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, बस ये हो गई है और हम फ्लेम बंद कर रहे हैं। घिये की ये नए स्टाइल में सब्जी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, इसे खाइए, ऐसा लगेगा आप चटनी खा रहे हैं घिये की। तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी ये आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।